पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम 2100 रुपए सेकंड के भी देते हैं हम बेटियों को आगे बढ़ाने के। भगवान ना करे किसी को ब्लड की प्लेटलेट की जरूरत पड़े, ब्लड प्लेटलेट के लिए यूं तो कैनवी ने एक आरोग्य रथ चला रखा है। 20 रुपए की पर्ची में डॉक्टर आपके द्वार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के इलाज करते हैं। 3 दिन की खांसी जुकाम बुखार की दवाई भी देते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, हमारी कैनवी ने सिर्फ मेडिकल नहीं, महिला सशक्तिकरण पर भी काम शुरू करा है। रोजगार के लिए कई बार बीकॉम बीए कर लेते हैं युवा, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। उनको नौकरी दिलाने के लिए अंग्रेजी बोलत सौ बच्चों को नौकरी दिलवा चुके हैं। आने वाले समय में 2000 युवाओं को नौकरी दिलवाने का लक्ष्य है। दोस्तों, गुड़गांव में खर्चे की कमी नहीं है। मैं बहनों से कहना चाहता हूँ, भाई हमारे चौधरी साहब और तो बढ़िया है, इनका किराया वराया अच्छा है, ये तो मदद भी कर देते हैं सब। बहनों को कोई तकलीफ नहीं है तो कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। हमारी गुड़गांव को लेकर के बहुत सोची सोच है, जाति पाति एक ही इंसान आज की तारीख में इन चीज़ों से ऊपर उठ करके आगे आज वहाँ पर बड़ी आलीशान चौपाल बन रही है। रविदास मंदिर के लिए, संत रविदास मंदिर के लिए जयकमपुरा में, उसमें पूरा सहयोग। जनसंवाद के कार्यक्रम तो हमारे पिछले 5 साल से ही चल रहे हैं। अलग अलग गुरुग्राम की कॉलोनियों में जाकर, सोसाइटियों में जाकर, गाँव में जाकर लोगों से मिलना, आशीर्वाद लेना, वहाँ के छोटे छोटे कामों के लिए प्रयास करना, उन कामों को सरकार और अधिकारियों तक पहुँचाना, उन कामों को फॉलोअप करना, ये निरंतर आदत रही है। और क्योंकि अब चुनाव का समय भी नज़दीक आ गया है, हम सबको मिलकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, और उस प्रयास में मेरा भी प्रयास है कि मैं गुरुग्राम को विकसित गुरुग्राम बना सकूँ। हमारा सपना है गुरुग्राम के अंदर की सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, जल भराव की जो दिक्कत है इसका परमानेंट समाधान हो। मेरी पूरी कोशिश है कि एक इलाके में सबसे ज़्यादा सरकार ने 10 साल में बहुत काम किए, लेकिन और अच्छे मॉडल के तौर पर इस शहर का डेवलपमेंट हो, औद्योगिक विकास हो, चमचमाती सड़कें हों, लाइटें सड़क पर अच्छी हों, तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम जब भी कामयाब हो सकते हैं, जब राज्य में हिस्सेदारी हो। उसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं गुड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ने का, और उसके लिए निमित्त मैं आशीर्वाद मांगने गाँव की सरदारी से आया हूँ। गांव की सरदारी का धन्यवाद करता हूं, सारे बुजुर्गों ने मिलकर के मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, और इनके आशीर्वाद से अपने गुड़गांव के विकास में मैं निरंतर लगा रहूंगा। पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आने वाला समय गुरुग्राम का होगा, और आज जनसंवाद के माध्यम से हमने पीछे के 5 सालों में क्या काम किए और आगे हमारे क्या प्लानिंग है, और खासकर मैंने सफाई को लेकर के गुड़गांव के लोगों का आशीर्वाद और साथ मांगा है। गुड़गांव के आम आदमी को जन भागीदारी में साथ लेकर के आने वाले समय में सभी का राज हो, उस तरह का एक भाव लेकर के हम काम करेंगे। गुरु कमल में जो है बैठक चल रही है, जो 90 सीटों पे उम्मीदवारों की चर्चा, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले 10 सालों में देश के साथ साथ प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आज हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, आपको मैं डिटेल में बता सकता हूँ, समय का थोड़ा अभाव है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं, लोगों को अमन चैन की सरकार मिली है। कुछ गलतियों की वजह से हमारी 10 में से 5 सीटें आई लोकसभा में, लेकिन वो गलतियाँ आगे पुनरावृत्ति ना करे सरकार, उसको लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है। 90 के 90 जिताऊ कैंडिडेट, मतलब जो जीतने की पोजिशन में है उसको उतारने को लेकर मंथन चल रहा है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, दूसरे वाले लोग भी देंगे, जनता को नंबर देने हैं, बहुत अच्छा होगा। हम तो अपना एक बात कह सकते हैं, अगर अपने को मौका मिलेगा तो इन लोगों का चेहरा, लोगों का प्यार ये बता रहा है कि गुरुग्राम से बहुत अच्छी जीत आने वाले समय में होने वाली है। नवीन जी, लोग बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हो गई सीवर की समस्या, हो गई ट्रैफिक की समस्या, तो उसके लिए क्या समाधान है? ट्रैफिक का समाधान तो सरकार ने करने की कोशिश की है। अगर ये KMP का काम पूरा नहीं होता, द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा नहीं होता, दिल्ली बॉम्बे नहीं होता, सारे हाईवे नहीं बनते, तो क्या हाल होता? लेकिन अभी शहर में बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं, गुरुग्राम बहुत आगे बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ेंगे तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा। आने वाले समय में माता रोड पर और रेलवे रोड पर, दोनों रेलवे रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की मुझे लग रहा है ज़रूरत है। उसके लिए आवाज़ को उठाएंगे, सरकार से आकर आने वाले समय में पूरा प्रयास करेंगे। मेट्रो सरकार ने पास कर दी, उसका काम जल्दी शुरू हो,
और जल्दी वो पूरा काम हो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और दोस्त और रही बात शिविर की, शिविर में भी देखिए जहाँ लाइनें छोटी हैं उनको आगे बड़ा करवाने की कोशिश करेंगे। अब संख्या जनसंख्या बढ़ने से अब वो लाइनें पुरानी छोटी हैं उनको आगे बड़ा करवाना पड़ेगा, आगे वाले समय में काम करेंगे।